हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नवप्रभा लाइव। आज मैं लेकर आई हूँ बॉलीवुड के रॉक स्टार यानी रणबीर कपूर की लव स्टोरी। अब इनकी लव स्टोरी थोड़ा सुनाना मुश्किल होगा क्योंकि रणबीर खुद ही कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किस टाइम पे डेट पे ले जाना है। जी हाँ, अब इसी वजह से नौबत तो यहाँ तक की आ गई कि एक टीवी शो पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनकी बैंड बजा दी। चलिए हम शुरुआत करते हैं उनकी पहली गर्लफ्रेंड अवंतिका मलिक से, जो कि आज के समय में इमरान खान की वाइफ है। एक समय ऐसा था कि रणबीर कपूर को अवंतिका से बेहद प्यार हो गया था और अवंतिका उस समय एक पॉपुलर टीवी शो जस्ट मोहब्बते में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती थी। रणबीर कपूर अवंतिका के प्यार में इतने पागल थे कि वो सेट्स पर भी मिलने जाया करते थे। एक दूसरे को कुछ सालों तक डेट किया लेकिन किसी वजह से दोनों के बीच में अनबन हो गई, तो वहीं पे उनका रिलेशन खत्म हो गया और रणबीर कपूर अपने बॉलीवुड करियर की तरफ चल पड़े। फिर कुछ समय बाद रणबीर कपूर की जिंदगी में सोनम कपूर की एंट्री हुई। वैसे एक बात मैं बता दूं, सोनम और रणबीर पहले से ही बचपन के दोस्त थे। फिर कुछ समय बाद संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म सावरिया से दोनों को लॉन्च किया, जो कि फिल्म तो हिट नहीं रही लेकिन दोनों को तारीफ जम के मिली। इसके साथ ही फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शूटिंग के साथ ही अक्सर दोनों लॉन्ग ड्राइव पर भी जाया करते थे, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जब फिल्म लॉन्चिंग के दौरान सोनम से पूछा गया रणबीर के बारे में तो सोनम का आंसर था ममाज बॉय, और उसी समय रणबीर भी बोले ड्रामा कोई। इसे देखकर तो साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा और दोनों का रिलेशन वहीं खत्म हो गया। अब मैं बताऊंगी दीपिका और रणबीर की लव स्टोरी, जो थोड़ा सा हार्ट टचिंग है। साल 2008 में इन्होंने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया जिसमें दोनों ने खुलकर अपने रिश्ते के बारे में बात की। कहा, हमारा अफेयर तो तब शुरू हुआ था जब हम अपनी पहली फिल्म सावरिया और ओम शांति ओम की शूटिंग कर रहे थे। हमने एक दूसरे का नाम सुना था बस। हमारे मेकअप आर्टिस्ट एक ही थे, भारत और डोरेसेस को हम दोनों बहुत अच्छे लगते थे और उसने मुझे कहा कि रणबीर एक बहुत अच्छा लड़का है, उससे मिलना चाहिए। उसने रणबीर को भी बुलाया और कहा कि तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो। तब हमने पहली बार बात की और एक दूसरे का नंबर शेयर किया। इससे तो साफ साफ पता चलता कि आग एक तरफ से नहीं, आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। इसके बाद तो जैसे मुलाकातों का सिलसिला तो शुरू हो गया और 2008 में दोनों ने एक साथ एक फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम बचना ए हसीनो था और शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार उमड़ने लगा। दीपिका तो रणबीर के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी, यहाँ तक कि दीपिका ने तो रणबीर के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। अब इससे तो साफ जाहिर होता है कि अब कोई किसी के नाम का टैटू तो तभी बनवाता है जब उसके साथ जिंदगी बिताने का इरादा हो। अब भाई दीपिका का तो यही इरादा था, लेकिन 2008 के खत्म होते ही हमारे रॉक स्टार रणबीर के दिल में कोई और ही हसीना बस गई और पता ही नहीं चला वो हसीना कब आई, और उस हसीना का नाम कैटरीना कैफ था। जैसे ही कैटरीना के बारे में दीपिका को पता चला तो दीपिका ने खुद ही रणबीर से ब्रेकअप कर लिया और ये पब्लिकली भी खुद ही एक्सेप्ट किया दीपिका ने। अब कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की कहानी तब शुरू हुई जब दोनों अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों ने कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फैंस को तो साफ साफ पता चल रहा था। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान तब से लोगों ने इनके बारे में बात करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि दोनों एक साथ तो रहने भी लगे थे। दोनों की किसेस और साथ की पिक्स को देखकर ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब हैं। लेकिन हाँ, बीच में सुनने में आया कि दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप भी इसलिए हुआ क्योंकि साल खत्म हो गया तो उनकी जिंदगी में कोई और आ गई। अब कोई और, ये और कोई नहीं, प्रियंका चोपड़ा ही थी। रणबीर की मुलाकात प्रियंका से फिल्म अनजाना अनजानी के दौरान हुई। फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां तो बढ़ी, लेकिन इस नजदीकियों को महज एक अफवाह बताया गया। लगता है रणबीर कपूर को उनकी फाइनल डेस्टिनेशन मिल ही गई है, क्योंकि आजकल वो हर जगह बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ नजर आते हैं। अब देखना ये है कि रणबीर कपूर इसी स्टेशन पर उतरते हैं या अपने प्यार की गाड़ी को किसी दूसरे स्टेशन पर जाके रोकते हैं। अब एक बात तो माननी पड़ेगी, रणबीर कपूर जितने चूजी और हार्ड वर्किंग अपनी काम को लेकर है,
उतनी ही चूजी और हार्ड वर्किंग अपने रिश्तों को भी लेकर हैं। क्योंकि अगर आप गर्लफ्रेंड की लिस्ट पर नजर डालें, तो सभी एक से बढ़कर एक हैं। रणबीर कपूर एक चॉकलेटी बॉय तो है ही, साथ ही साथ एक दिल फेक आशिक भी हैं, जिनका दिल मौसम की तरह बदलता रहता है। फिर चाहे वो रॉकस्टार की नरगिस फाकरी हो या रईस फिल्म की माहिरा खान हो, रणबीर कपूर का ये दिल छू लेने वाला अंदाज सभी हसीनाओं के दिल पर अपनी छाप छोड़ देता है कि बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। तो ये थी रणबीर कपूर की लव स्टोरी। ऐसी लव स्टोरी को देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए नप्रभा लाइव पे।